हाय एवरीवन, देखिए लास्ट के अंदर हमने किसके बारे में स्टडी किया था? जुवेनाइल फेज के बारे में स्टडी किया था। ऐसा लाइफ का टाइम पीरियड जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, तो उस लाइफ टाइम को अपन क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं, जो आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, जैसे जुवेनाइल फेज खत्म होता है, फिर वहां से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, तो जुवेनाइल फेज की एंडिंग के बाद में एक न्यू फेज स्टार्ट होता है, उस वाले फेज को अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। जो सपोज करो किसी ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हुआ हुआ हो और फिर कुछ टाइम के बाद में वो रिप्रोडक्टिव फेज उसका स्टार्ट हो गया हो, तो बर्थ और रिप्रोडक्टिव फेज के जो बीच वाला पीरियड है उसे तो अपन क्या कहेंगे? जुवेनाइल फेज कहेंगे। उसके बाद वाले फेज को अपन क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होगा तो उसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकली और कुछ मॉर्फोलॉजिकली चेंजिंग आएगी। फिजियोलॉजिकल का मतलब कि उसकी बेसिकली जो बायोलॉजिकली या जो उसकी मैकेनिज्म्स होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाएगी, जो हमें ये बताएंगे कि अभी वो बेसिकली उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली चेंजिंग आती है। इन द केस अगर अपन एनिमल का एग्जाम्पल उठाते हैं, उसके अंदर अगर हम ह्यूमन बींग्स को उठाते हैं, तो वहां पे देखो जैसे ही कोई गर्ल प्यूबर्टी के अंदर या रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करती है, उस टाइम उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा उसकी आवाज और थिन होना स्टार्ट हो जाती है, जो हमें ये बताती है कि अब गर्ल रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर हो गई है। सेम तरह उसी वक्त अगर अपन बॉयज की चेंजिंग के बारे में स्टडी करना चाहें, तो उस वक्त बॉयज की देखो ब्रेड स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड जिसे अपन कहते हैं। तो बेसिकली ये चीज हमारे को मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग ये बताती है कि उस वाले बॉय के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होते ही फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको जरूर दिखाई देगी। देखो जो अपन के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग चेंजिंग दिखाई देती है, विद रेस्पेक्ट टू जो जैसे एनिमल्स होते हैं उसके हिसाब से रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर अलग अलग हमारे को चेंजिंग दिखाई देती है। और जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। अब देखो उसके जो ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसके हिसाब से देखिए, जैसे हमने लास्ट में ये कहा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव फेज होता है, तो वहीं से एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, ब्रीडिंग सीजन। कि रिप्रोडक्टिव फेज कितने टाइम का है, उस हिसाब से अपन ने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक कंटिन्यूस या एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर अपने ब्रीड को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अपने ऑफस्प्रिंग को या खुद क्या हो सकते हैं? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो सकते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं? उन्हें भी कहते हैं अपन सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अपनी ब्रीड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर अपनी ब्रीड प्रोड्यूस करने की या थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर्स कहते हैं। जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स के अंदर कौन कौन से कौन आते हैं? प्राइमेट्स आते हैं, मंकी, एप और ह्यूमन। उनके पास कैपेबिलिटी होती है या इनके अंदर जो बेसिकली रिप्रोडक्शन का इस तरीके का प्रोसीजर होता है, ये बेसिकली साल के अंदर अपने ईयर के अंदर कभी भी अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या हम ये कहें ये थ्रू आउट द ईयर क्या रहते हैं? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, इस वजह से इन्हें कंटिन्यूस ब्रीडर्स कहते हैं। दूसरी तरफ बेसिकली नॉन प्राइमेट्स जैसे काउ, शीप, रेड डियर, इन्हों के अंदर थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहने की कैपेबिलिटी नहीं रहती, ये अपने पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। तो इस वजह से उन्हें अपन क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, जिनके अंदर क्या आते हैं? नॉन प्राइमेट्स आते हैं। तो जब ये बेसिकली ब्रीड जैसे जो हमारे सीजनल ब्रीडर्स या हमारे कंटिन्यूस ब्रीडर्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, उस टाइम उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और उनके अकेसरी ग्लैंड के अंदर जो रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं, उन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या आती है? चेंजिंग आती है। तो जो चेंजिंग बेसिकली सीजनल ब्रीडर्स के अंदर देखी जाती है, उन वाली चेंजिंग को अपन क्या कहते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ये बेसिकली टर्म यूज किया गया है फीमेल के लिए, जो वैसे नॉन प्राइमेट्स की फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एकेसी डक्ट्स के अंदर जो चेंजिंग पाई जाती है, उन चेंजिंग को अपन क्या कहते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल्स कहते हैं। और सेम टाइम जो प्राइमेट्स एनिमल होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव फेज के वक्त जो उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एकेसी डक्ट के अंदर जो चेंजिंग आती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ये दोनों टर्म्स जनरली यूज किए गए हैं फीमेल के लिए यूज किए गए। और दूसरी तरफ अगर अपन मेल की बात करें तो वो बेसिकली किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस वजह से उनके लिए ऐसे टर्म्स यूज अपन नहीं करते। तो यहाँ पर देखो अपन ने ये कहा कि बेसिकली प्राइमेट्स के अलावा जो सारे एनिमल्स आते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स में आते हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही क्या होंगे, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे। जैसे हमारे बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बेसिकली सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मगर वो थ्रू आउट द सीजन के अंदर क्या देते रहते हैं, एक देते रहते हैं। जैसे हैन होती है जो बेसिकली एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही एक दे सकती है, मगर देखो एक तो हमारे कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, तो ये एक कहाँ से आते हैं, जाहिर सी बात हैन से ही आते हैं, आर्टिफिशियल तो अपन एक को बना नहीं सकते। तो इस कंडीशन के अंदर अपन एक हैन को सीजनल ब्रीडर मानेंगे या कंटिन्यूस ब्रीडर मानेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर भी अपन हैन को सीजनल ब्रीडर ही मानेंगे, क्योंकि नेचुरली तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अपनी ब्रीड प्रोड्यूस कर सकती है। हमने उस हैन को कुछ हॉर्मोन्स दिए जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस क्या हो गई है, कंटिन्यूसली एक दे रही है। तो इस कंडीशन के अंदर जो बेसिकली एक प्रोडक्शन की फिनोमेना वो नेचुरल नहीं हुई है, आर्टिफिशियल हुई है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली या अपन को एग्स चाहिए थे इस वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रोडक्शन की फिनोमेना रिप्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो एक इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है, तो इस वजह से, या वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है, तो इस वजह से उस वाले जो थ्रू आउट द ईयर जो हैन एग्स देती है उस प्रोसीजर को अपन कंटिन्यूस ब्रीड के अंदर नहीं सपोज कर सकते। अगर हैन को अपन नेचुरल एनवायरमेंट में रखें तो वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ब्रीड देती है, इस वजह से जो हैन की स्पीशीज है वो सीजनल ब्रीडर के अंदर काउंट की जाती है, और जो कंटिन्यूस जो एग दे रही है वो एक प्रोसीजर है, एक कॉमर्शियल प्रोसीजर है, वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये अपन की कुछ ब्रीडिंग सीजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और उसके बाद में देखो अपन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कि एक तो जुवेलाइन फेज जिसके अंदर ग्रोथ की, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज जिसके अंदर कि उसी ऑर्गेनिजम्स ने अपनी जैसी एक कॉपी प्रोड्यूस की। अब देखो थर्ड फेज होगा अपन का सेंसेंट फेज, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की सारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी और वो लास्ट के अंदर डेथ हो जाएगा, तो उस वाले फेज को अपन क्या कहते हैं, सेंसेंट फेज कहते हैं, जो हम हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।